नमस्कार मैं हूं राहुल शर्मा आप देख रहे हैं न्यूज आप तमाम दर्शकों का आज की बड़ी खबर में स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं संदीप दीक्षित की संदीप दीक्षित ने आम बीजेपी पर जमकर निशाना साधा दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो तैयारियां सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से की जा रही है ऐसे में एक खबर निकल कर सामने आई है जो खबर निकल कर सामने आई है उसमें सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि संदीप दीक्षित ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दुम है क्योंकि सीधे तौर पर देखा जाए तो बीजेपी के पास उनका कोई एजेंडा नहीं है उनका अपना कोई मुद्दा नहीं है लेकिन फिर भी क्या देखा जा रहा है फिर भी क्या स्थितियां देखी जा रही हैं वो जाहिर तौर पर जो माहौल इस वक्त का बन रहा है जो स्थितियां इस वक्त की जो बनती नजर आ रही है वो ये जाहिर तौर पर बता रही हैं कि क्या आने वाले वक्त में क्या आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 2024 में बड़ा झटका लग रहा है देखिए सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को ये बता देता हूँ कि फ़िलहाल जो हालात देखे जा रहे हैं वो ये है कि चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों की तरफ से रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपना जो है मैं अगर बात करूँ तो आ, सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आ, दोनों पक्षों की तरफ से अपना अपना मज़बूत पोजीशन किया जा रहा है और बहुत बड़े हद तक अगर हम देखें बहुत बड़े हद तक अगर हम चीज़ों को देखें जो स्थितियां नज़र आ रही हैं वो ये जाहिर तौर तो पर नजर आ रही हैं कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को बहुत बड़ा जो है मैं अगर बात करूं तो नुकसान होता नज़र आ गया देखिए कहीं ना कहीं जो तस्वीरें इस वक्त की हैं कहीं ना कहीं जो हालात इस वक्त हैं वो ये जाहिर तौर तो पर बता रहे हैं कि कितनी बड़ी मुश्किलें इस वक्त अब सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को हो रही लेकिन क्या दो का चुनाव वाकई दिलचस्प होने वाला है आज के इतना ही आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी तब तक ले जा दीजिए नमस्कार